चावल, नारियल और गुड़ से आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट लड्डू और करम पूजा स्पेशल रोटी। तो चावल का लड्डू और रोटी देखिए कितना अच्छा हुआ है देखने में, और खाने में तो क्या बोलूं, इतना टेस्ट था। हेलो गाइस, डुअर सदिवसी भोज में सभी को जोहार। मैं गीता लकड़ा, करम पूजा स्पेशल आज मैं बनाऊंगी चावल दाल और नारियल का स्पेशल लड्डू। इसको हम आदिवासी भाषा में रोटी भी कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और सभी को करम पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो में बने रहिए, चावल दाल से मैं कैसे बनाती हूँ करम पूजा स्पेशल रोटी देखने के लिए। जो लोग मेरे चैनल में नए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि सब लोग मेरे वीडियो को देखें, हम आदिवासियों का करम पूजा स्पेशल रोटी का रेसिपी। तो गाइस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो गाइस अभी हम नारियल को काटेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलो इसको हम पहले काट लेते हैं। फाइनली मेरा जंग खत्म हुआ, नारियल काटते करते मेरा तो पसीना भी आ गया पसीना आ गया मेरा नारियल काटते करते। मैंने नारियल छील लिया है, अभी मैं इसको काटूंगी, काट के आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने एक केले का पत्ता ले लिया है, ये केले का पत्ता मुझे चावल पीसने में काम आएगी। मैंने पट्टा का नीचे रख दिया है, मैं चावल भी पीसूंगी और अभी मैं नारियल को फोड़ लेती हूँ। नारियल को मैंने फोड़ लिया और एक कुर्नी की मदद से मैं नारियल को, सारी नारियल को बाहर निकाल लूंगी। मैंने रात में भिगो दिया था अरवा चाउर और कलई दाल को, उसको मैं अभी अच्छा से धो के पीस लूंगी। मैं नहीं पीस रही हूँ, मेरा माँ पीस रहा है, रही है मेरा माँ पीस रही है और मैं उस तरफ नारियल को निकाल रही हूँ। फाइनली मैंने सारा नारियल निकाल लिया है और इस तरफ मैंने ले लिया किशमिश और अभी गुड़ को मैं अच्छे से काट लूंगी। और माँ का भी चावल पीसना कंप्लीट हो ही चुका है। माँ बहुत मेहनत कर चुकी है तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ मेहनत करना चाहिए, इसलिए मैं भी पीस रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से हमारा चावल और कलई दाल पीस के रेडी हो चुका है, अभी हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा आटा, सूजी, स्वाद अनुसार चीनी, थोड़ा सा नमक और अभी मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूंगी और डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों तेल। सरसों तेल डाल के अभी मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूंगी। फाइनली मैंने आटा सान लिया है, अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी और इस तरफ मेरा ग्रेट करा हुआ नारियल, किशमिश, मीठा सब कुछ रेडी है। और अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, कढ़ाई में मैंने दे दिया है गुड़ को और गुड़ को मैं अच्छी से चलाऊंगी अभी और इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश को। और कुछ सेकंड चलाने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी नारियल और अभी मैं इसको अच्छी से पका लूंगी और ऐड कर दूंगी थोड़ा सा चीनी। फाइनली मेरा नारियल भून के रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको निकाल दूंगी एक केले के पत्ते में और इस तरफ जो कढ़ाई था कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और लौंग, इलाच और तेज पत्ता। अभी मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूंगी।
तो देखते रहिए मैं लड्डू किस प्रोसेस में बनाती हूँ। फाइनली मैंने सब लड्डू बना लिया है और अभी मैं इसको एक थाला में उठा रही हूँ। थाला में मैंने सजा लिया है, अभी मैं इसको भाप लूंगी। तो कढ़ाई में जो मैंने पानी चढ़ाया था उसमें लौंग इलाच तेजपत्ता देके उसी पानी में मैं ये लड्डू को बॉईल कर लूंगी। अभी मैं ढक देती हूँ, 10 मिनट तक मैं इसको अच्छी से पकाऊंगी। और इस तरफ मेरा जो वो रोटी जैसा बनाया था उसको भी मैंने अच्छी से थाला में सजा लिया है। फाइनली मेरा लड्डू बन के रेडी हो चुका है और अभी मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। गुड़ डाल के अच्छे से चला लूंगी। चलाने के बाद 5 मिनट में कढ़ाई में इसको पका लूंगी। फिर मैं एक थाला में रख दूंगी। हो गया मेरा लड्डू। लड्डू मेरा फाइनली रेडी हो चुका है खाने के लिए। और अभी मैं ये वाला रोटी को तेल में फ्राई कर लूंगी। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, इस पे मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और अभी मैं एक एक करके सब रोटी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फाइनली मेरा रोटी जो है ना गाइस फ्राई हो चुका है और मैं इसको निकाल देती हूँ एक थाला में। तो देखिए करम पूजा स्पेशल रोटी कितना गोल गोल लाल लाल देखने में इतना स्वादिष्ट था, खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था गाइस। तो फाइनली मैं अभी लड्डू को ट्राई करूंगी। लड्डू वाह हा इतना अच्छा स्मेल, इसका जो टेस्ट था ना गाइस क्या बोलूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग जरूर घर में बना के खाइएगा। और मेरा ये रोटी और लड्डू का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और रोटी तो बहुत ही सॉफ्ट था। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।